मांधाता विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र के भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संतोष राठौर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। आखिरी दिन सोमवार सुबह 11 बजे शुभ मुहूर्त में सादगी के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब उनके नामांकन पत्र प्रस्तुत करने को लेकर मांधाता क्षेत्र से लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में चर्चा है और उनके अगले कदम पर निगाहें टिकी हुई हैं। चर्चा है क्या भाजपा के नेता संतोष राठौर मांधाता विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे या नामांकन पत्र उठाने के आखिरी दिन 2 नवंबर को अपना नामांकन वापस लेंगे। इस बात की क्षेत्र में चर्चा जोरों पर है और सभी के द्वारा अपने अपने स्तर पर कयास भी लगाए जा रहे हैं। आखिरकार उनका कहना है कि भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और चुनाव जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। नामांकन भरने के बाद भाजपा नेता संतोष राठौर ने कहा कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और हम यह चुनाव जीतेंगे। भाजपा के आदर्श सिद्धांत की बात करते हैं, यहाँ पर लगातार टिकट को लेकर अनदेखी की जा रही है। आज नाम निर्देशन पत्र जमा किया मैंने। सबसे पहले मांधाता विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता को मैं प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से। और मैं ये बता देना चाहता हूँ मांधाता विधानसभा क्षेत्र की मेरी श्रद्धेय जनता को कि आज का नाम निर्देशन पत्र जमा करना इस क्षेत्र के लिए एक संघर्ष की मजबूत तैयारी है। और यह संघर्ष मेरा नहीं, यह संघर्ष पूरे मांधाता विधानसभा क्षेत्र की जनता का है। भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे इस क्षेत्र के हमारे सांसद जिन्होंने लंबे समय तक हमारे क्षेत्र का नेतृत्व किया, आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, और हमारे इस क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले स्वर्गीय श्री लोकेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, इस पार्टी के नेता रहते हुए इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो शुद्धता बनाए रखी थी, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां बनाए रखी थी, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ताओं के मूल संस्कारों को बचाए रखा था पिछले 2018 के उपचुनाव के समय से, इस भारतीय जनता पार्टी में संक्रमण आया है नारायण पटेल कांग्रेस के व्यक्ति के माध्यम से। हमको लगा था कि कांग्रेस से हमारी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में शायद हमारे संस्कारों के अंदर वो रच बस जाएंगे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल के दौरान उनकी कार्यशैली पूरे मांधाता विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने देखी है। उन्होंने ये देखा है कि वो बजाय भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में रंगे, मांधाता विधानसभा क्षेत्र की सेवा करें, उसके बजाय कांग्रेसी संस्कारों में रहते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद के भरण पोषण की, खुद के स्वार्थ की, और खुद को किस तरह से पूरा पुष्ट किया जा सकता है, तंदुरुस्त किया जा सकता है आर्थिक मामलों में, सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया। मांधाता की जनता पूरे 2.5-3 साल से चिल्ला रही थी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मुद्दा मेरा इस चुनाव के अंदर ये रहेगा कि जिस तरह से ये 2.5 साल के अंदर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद किया, पूरे क्षेत्र के अंदर आज मैं देखता हूँ कि थर्मल पावर में, हाइड्रो पावर में काम करने के लिए मेरा युवा मांधाता का 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 8-8 हज़ार, 7-7 हज़ार की नौकरी के लिए दर दर भटकता है। उनके घरों पर जाकर के उनके सुपुत्र अगर मान लो फोन लगा दे तो उसको बड़ी मेहरबानी करते हैं कि 5 हज़ार की नौकरी दिलवाने के अंदर उसको। मैं यहाँ के युवाओं को उस थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंदर एस का राख की हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन काम के लिए उनकी कंपनी बनाऊंगा। इस तरह के मेरे बड़े बड़े मुद्दे हैं जहां पर मत्स्य आखेट, नर्मदा नगर का जो जलाशय है, उसके अलावा ओंकारेश्वर का जो जलाशय है, इस विधानसभा के इन दोनों जलाशयों के अंदर इसी विधानसभा क्षेत्र के परंपरागत जो मत्स्य आखेट करने वाले हैं उन लोगों को साथ में लूंगा, उन लोगों को कार्य सौंपूंगा। साथ ही साथ ओंकारेश्वर की जो भूमि जो अभी तक फॉरेस्ट के अंदर है, वहाँ के सारे लोग पूरी तरह से इन कामों के लिए को लेकर के परेशान है, इस व्यवस्था को लेकर के। मैं चाहूँगा और मैं इस व्यवस्था को करूँगा भी कि उसको राजस्व भूमि के अंदर परिवर्तित करूँ, ताकि आए दिन प्रशासनिक परेशानियां उनके समक्ष में जो उपस्थित होती है समाप्त होती है। इस तरह के बड़े बड़े मुद्दे आपको मैंने कुछ बताया। ये सुनने को आ रहा है कि 2 तारीख को आप फॉर्म उठा लेंगे, भाजपा के कुछ लोग बोल रहे हैं संगठन का दबाव आ रहा है। देखिए, अगर मान लो मैं बोलता तो मेरे मन में कहीं बात होती कि मुझे फार्म उठाना है। अगर मेरे विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी जो नारायण पटेल जी हैं, अगर उनकी तरफ से बात करें तो उनके मन में मुझे लेकर डर बहुत है जी, और इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं वो। और उनके डर का इलाज मेरे पास में नहीं है। मैं तो संकल्प और संघर्ष करने के लिए जब आगे बढ़ता हूँ तो कदम पीछे खींचने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि मैं विधायक बनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। अगर मुझे विधायक बनने के लिए अगर लड़ाई लड़ना होता तो 1983 से लेकर 2023 तक 40 साल के निरंतर जनप्रतिनिधित्व करते हुए मांधाता विधानसभा क्षेत्र के कभी आज तक
मेरे द्वारा विधानसभा का फार्म नाम निर्देशन पत्र नहीं जमा किया गया। आज मुद्दों से और सिद्धांतों से आहत होती हुई भारतीय जनता पार्टी और विचलित होती हुई भारतीय जनता पार्टी को सही रास्ते पर लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनने के लिए संतोष राठौड़ ने समय के रंगमंच पर अपने आप को प्रस्तुत किया है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे मूल कार्यकर्ता, कांग्रेस के वे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के विधायक को माननीय उत्तम पाल सिंह जो प्रत्याशी हैं उनके पिताजी को भी यहाँ पर 3 से 4 बार सब लोग विधायक बन करके देख चुके हैं, लेकिन उस समय में भी और आज भी जो कांग्रेसी कल्चर इस मांधाता विधानसभा क्षेत्र में रहा उस पूरे कल्चर को समाप्त करने के लिए कांग्रेस के भी जो अच्छे लोग हैं वो सब मेरे साथ में हैं, उन सब का सहयोग उन सब का समर्थन मेरे साथ में है। और यहाँ पर जितने आप चेहरे देख रहे हैं उन सब सारे चेहरों के ऊपर एक परिवर्तन की पूरे क्षेत्र के अंदर जब आप घूमेंगे तो परिवर्तन की एक जबरदस्त आकांक्षा है। एक तरफ वो मानकर चलते हैं कि कुआ है और एक तरफ बहुत बड़ी खाई है और कुएं और खाई दोनों से बचने के लिए पूरा विधानसभा क्षेत्र एक विकल्प की तलाश में था और संतोष राठौर एक मजबूत विकल्प बनकर के उनके सामने उनके भाई के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।